So good morning, all of you. Today we discuss quadrilateral and parallelogram. No problem? आप इसको पढ़ें तो क्वेश्चन एक O is a point within a quadrilateral का ये सिंबल है. आप जानते हो सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. क्या ट्रायंगल का दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर होगा तभी ट्रायंगल पॉसिबल है. यहां क्वाड्रेटर है तो आप एक क्वाड्रेटर फॉर्म लीजिए. हम कोई एक एनी क्वाड्रेटर बना लेंगे. नाम दे दिए क्वाड्रेटर का ए बी सी और डी. गिवन में आप लिख सकते हो ए बी सी डी इज ए क्वाड्रेटर ओ इज ए पॉइंट विदिन ए क्वाड्रेटर. O is a point within a quadrilateral ABC. इस quadrilateral के अंदर कहीं भी एक O point है. हम मान लो यहां पर एक point O ले लिए. quadrilateral के अंदर ले लिए point O. तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी. ये आपको प्रूव करना है ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन AC plus BD. Now construction में तो आप पहले इसको join कर दो BD को एक diagonal को join कर दीजिए और OA OD और OB को join कीजिए. किसको join किए? एक diagonal BD OB and OD. क्या एक triangle form हुआ? जब हम डायगोनल ज्वाइन किए एक ट्रेंगल फॉर्म हुआ. इस ट्रेंगल का नाम बी ओ डी पड़ा. क्या नाम पड़ा इसका? बी ओ डी नाम. बी ओ डी. तो आप प्रूफ में आइए. कंस्ट्रक्शन इतना लिखना लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बी डी OB और OD join BD OB and OD. आइए प्रूफ में इन ट्रायंगल BDO या OBD में OB plus OD is greater than इन ट्रायंगल बी ओ डी में आप लिख सकते हो ओ बी प्लस ओ डी इज ग्रेटर देन बी डी. वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन
थर्ड साइड, हम यहाँ पर रीजन भी लिख दिए। क्या लिख दिए? रीजन भी हम लिख दिए कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और इसको बना दिए इक्वेशन वन। नाउ अब देखिए हम सेकेंड डायग्राम को ज्वाइन कर दिए, इसको एसी को ज्वाइन फिर लिख देते हैं यहां पर ज्वाइन एसी फिर एओ और ओसी ज्वाइन एसी ओए ओसी ओए एंड ओसी हेलो हेलो क्लास ले रहे हैं? अब फिगर क्लियर आ रहा है? इन ट्रेंगल ओपीडी में, अब नाउ इन ट्रेंगल एसीओ, इन ट्रेंगल एसीओ में ओए प्लस ओसी ग्रेटर देन एसी, ग्रेटर देन एसी, दिस इज इक्वेशन टू एंड सेम रीजन आएगा। फर्स्ट इन ट्रेंगल ए बी ओ डी, सेकेंड ए ओ सी में, वी नो दैट सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, अभी ओ ए प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन एसी। Now, adding equation 1 and 2, adding equation 1 and 2, अब दोनों equation को add कर दो, 1 में और 2 में, पहला equation को add करो, first equation, OA, OB, OC and OD. प्लस ओडी इज ग्रेटर देन एसी प्लस बीडी, एसी प्लस बीडी, यही आपको प्रूव करना है। दोनों का इंटरसेक्शन ओडी था, ओबी ओसी और ओडी, और आर एस में एसी और बीडी था, आपको यही प्रूव करना था। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? प्रॉब्लम भी किसी को है? हेलो हेलो, कोई किसी को प्रॉब्लम भी है इस क्वेश्चन में? अमृत गौतम बोर्ड पर क्लियर है? ओके, अब आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
टू में दिया हुआ है, ये पूरी पॉइंट इंटरवल है जिसका नाम ए बी सी डी, इन द ड्राइंग फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम, क्या दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम इन विच AB parallel to BC, in which AB parallel to BC, and if angle A 55 degree and angle B 70 degree, find angle C and angle B. Find angle C and angle B. बताओ, कोई बता सकते हो एंगल सी और एंगल डी क्या होगा? एंगल सी और एंगल डी क्या होगा इन क्वाड्रिलेटरल या इन ट्रापीजियम ए बी सी डी में? कोई नहीं, तो कोई नहीं बता सकते हो तो देखो, ये ट्रापीजियम है क्वाड्रेंगल और अपोजिट साइड इसका पैरेलल दिया हुआ है, एंगल ए 55 डिग्री, हाँ एंगल सी क्या होगा और एंगल डी 79, रॉन्ग है। कैसे? आप जब इस दोनों लाइन को पैरेलल कर रहे हो, ए बी पैरेलल टू बी सी, चलो देखते हैं, बता देते हैं, एंगल ए 55 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री आपका दिया होगा, तो एंसर में ए ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल एंड ए डी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो आप पढ़े हो सब या कोई इंटरवल दो लाइन पैरेलल है और दिस इज ट्रांसवर्सल, तो सब ऑफ कोई इंटरवल एंगल इज 180 डिग्री या कोई इंटरवल एंगल इज 180 डिग्री, ये भी रीजन देख सकते हो, या सम ऑफ सेम साइड ऑफ इंटरवल एंगल इज 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी 180 डिग्री, रीजन कोई इंटीरियर एंगल, रीजन क्या लिखेंगे शॉर्ट में, को इंटीरियर एंगल्स ये भी लिख सकते हो या सम ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो। अब नाउ एंगल ए इक्वल टू 55 यहां पर पुट कर दो, प्लस एंगल डी फाइंड करना है, इसको डी रहने दो, इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी 180 माइनस 55 डिग्री, एंगल डी इक्वल टू 10 माइनस 5 और 7 माइनस 5 टू 1 यानी 125 डिग्री, हम पहला एंगल निकाल लेंगे 125। ठीक है, नाउ ए बी पैरेलल टू बी सी, B
BC is transversal या CB is transversal, so angle B plus angle C 180 degree. Same co-integral angle से similarly जो find कर सकते हैं, again angle C या sorry angle B plus C 180 degree, यहाँ पे हम co-integral angle कर सकते हैं. एंगल सी फाइंड करना है, बी इक्वल टू 70 डिग्री. अरे एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 70 और एंगल सी इक्वल टू 110 डिग्री. एंगल सी क्या निकला? 110 डिग्री. यही आपका एक आंसर आया है. एंगल बी 125 डिग्री और एंगल सी 110 डिग्री. क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें बोलिए. चलिए अब नेक्स्ट